स्टार्ट करते हैं जेई मेंस अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर, 8 अप्रैल का पेपर है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पेपर वन और पेपर टू में क्या डिफरेंस है, तो पेपर वन और पेपर टू में डिफरेंस है, डेफिनेटली है। डिफरेंस ये है कि टफनेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, क्वेश्चन लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और पेपर वन के कंपेयर मतलब शिफ्ट वन के कंपेयर में पेपर्स का आपको डेफिनेटली इसमें वेटेज भी अलग मिलेगा। तो पेपर में क्वेश्चंस थोड़े से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथी लग सकते हैं, पर क्वेश्चन अगेन अगर फाउंडेशन क्लियर है तो बनने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस को समझिएगा आप, और मैं आपसे फिर बोलूंगा कि अगर आपने फाउंडेशन या बेसिक अच्छे से किया है तो आप पेपर बहुत इजीली सॉल्व। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं इंटीग्रल की, देखिए क्या है, x * 1 + x पावर 6 होल पावर 2 / 3 इक्वल टू एक्स एफ एक्स 1 प्लस एक्स पावर 6 होल पावर 1 बाय 3 प्लस सी देन एफ एक्स एस। आपको बताना है कि एफ एक्स क्या होगा। अब ये जब भी इस फॉर्म कोई क्वेश्चन आए तो एकदम से क्लिक करना चाहिए ये इंटीग्रल की टाइप से जो मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाई थी, x इंटू 1 प्लस माइनस एक्स पावर एन, इसमें रूट भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है। और ऐसे सभी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेके देखिए, अगर आप x की पावर 6 बाहर निकालेंगे तो x की पावर 4 मिलेगा, यानी dx अपॉन x पावर 7 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 होल पावर 2 बाय 3। एडवांटेज इसको t मानेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन मिल गया। आपने क्या किया, 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 को t माना, 1 का 0 माइनस 6 अपॉन x पावर 7 इक्वल टू dt बाय dx, राइट। इसका मतलब माइनस 1 अपॉन 6 आएगा, यहां पर माइनस 1 अपॉन 6 आपको दिख रहा है, तो अभी देखते हैं माइनस 1 अपॉन 6 ये लिख दिया, यहां पर आ गया dt अपॉन t पावर 2 बाय 3, राइट। अब ओवरऑल देखें तो माइनस 1 बाय 6, स्टेप जितनी कम लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए, dt यानी माइनस 1 बाय 6 t की पावर, यहां पर कितना हो जाएगा t की पावर 1 बाय प्लस 1 कर देंगे तो 1 बाय 3, राइट, t की पावर 1 बाय 3 प्लस ऑफ c। अब देखिए अपॉन में भी 1 बाय 3 आएगा तो 1 बाय 3 कैंसिल यानी माइनस 1 बाय 2। अब माइनस 1 बाय 2 देखें तो इन दो ऑप्शन में, इसका मतलब वो माइनस 1 बाय 6 नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपसे बोला रुक जाओ, माइनस 1 बाय 2 टी की जगह जब आप टी की वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू है एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 होल पावर 1 बाय 3। अब देखिए एक्स की पावर 1 बाय 3 तो है, यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 6 प्लस 1 की होल पावर 1 बाय 3, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, आपसे एफ एक्स पूछा है बट एक्स के साथ पूछा है, यानी मैं अगर आपसे बोलूं तो लॉजिकली एक्स इंटू एक्स पावर 6 प्लस 1 होल पावर 1 बाय 3, तो एक्स का डिवाइड भी करना पड़ेगा यानी माइनस 1 अपॉन 2 एक्स क्यूब। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब इस पेपर में मैं एक चीज आपको बताऊंगा अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पेपर वन के कंपेयर में पेपर टू में बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जरा से में मिस्टेक हो सकती है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया एकदम से ये देखा तो ये आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो इस पेपर में ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसको हम मिसरीडिंग मिस्टेक बोल सकते हैं, केयरलेस, ये एक चीज ध्यान देने वाली थी, जबकि वन में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, ये ध्यान रखिए। तो ये इसका मतलब इतना होने के बाद जो बचा उसे हम बोलेंगे एफ एक्स, देन दिस इज एफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स क्यूब, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 एम एक्स प्लस 1 प्लस 8 एम इक्वल टू 0 हैज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, एम की नंबर ऑफ वैल्यू बताना है, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो ऑब्वियसली 4 बी का स्क्वायर 1 प्लस 3 एम स्क्वायर 3 एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8 एम, राइट। इसको लेस देन 0 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर कंपेयर करेंगे। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें, 4 हटा दीजिए तो 1 प्लस 9 एम स्क्वायर प्लस 6 एम, राइट। यहां पर आइए तो माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस ऑफ 8 एम माइनस ऑट माइनस ऑफ 8 एम माइनस ऑफ 8 एम क्यूब, राइट, ये बन गया। अब इसको जरा अरेंज करें हम तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, आपके पास डिग्री है एम क्यूब की, तो इसमें से अगर मैं माइनस एम कॉमन ले लूं तो माइनस 4 एम क्या क्या मिलेगा,
एट एम स्क्वायर, स्क्वायर वाले ये टू हैं, एट एम स्क्वायर बचा था तो माइनस एट एम, और एम वाले ये देखें तो हम माइनस टू एम बचा था तो प्लस ऑफ टू एम, राइट, प्लस ऑफ टू एम नहीं प्लस टू। आप इसमें से भी आप चाहो तो टू बाहर निकाल सकते हो, यानी आप चाहो तो माइनस एट एम, तो ये मिलेगा फोर एम स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एम प्लस वन। अच्छा ये तो देखिए एक अच्छी बात है, माइनस एट एम इंटू टू एम माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, राइट। अब एक चीज बताइए, इसको क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब ये फैक्टर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, यानी माइनस एम लेस देन जीरो, यानी एम ग्रेटर देन जीरो। अब एम ग्रेटर देन जीरो यानी एम की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ, सॉरी इनफाइनाइट, राइट। इस तरह के क्वेश्चन हमने फाउंडेशन कोर्स में किए थे, बिल्कुल सिंपल बेस क्वेश्चन है कि आपको बोला इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो से आपने कंपेयर किया ये कंप्लीटली बन गई। मान लीजिए इसके फैक्टर बन रहे होते तो फिर हमारे एक रेंज मिल जाती, पर वो नहीं है, तो आपने बहुत इजीली इसका आंसर दे दिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये सब पेपर के डिस्कशन का आप लोग, अगर आपकी कोई भी शिफ्ट का भी पेपर बचा है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक की बहुत। ए पॉइंट एच कॉमा के वन कॉमा टू एंड थ्री माइनस थ्री फोर लाइव ऑन लाइन एल वन, एक कोई पॉइंट है, तीन पॉइंट दिए हैं, क्या क्या, एच कॉमा के वन टू एंड माइनस थ्री फोर लाइव ऑन अ लाइन एल वन, ये एल वन लाइन है, ठीक है, एंड पॉइंट एच के एंड फोर थ्री, एच के एंड फोर थ्री, ये फोर थ्री मान लीजिए लाइव ऑन लाइन एल टू। इफ एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल वन देन द वैल्यू ऑफ एच बाय के, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन टू पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकाल के, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल के एच के सेटिस्फाई करोगे आंसर जाएगा, एक तरीका। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं देखूं तो इसका और इसका जो स्लोप है इसका प्रोडक्ट माइनस वन होगा, राइट, यानी आप ऐसा बोलेंगे फोर बाय टू टू अपॉन माइनस फोर इन टू के माइनस थ्री अपॉन एच माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, यानी माइनस से माइनस कैंसिल टू टाइम, तो आप बोलेंगे के माइनस थ्री इक्वल टू टू एच माइनस एट, राइट, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं टू एच माइनस के इक्वल टू फाइव। अब आपके पास टू एच माइनस के इक्वल टू फाइव आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, कि अगर एच बाय के पूछा है तो सपोज अगर हम देखें तो इसमें एक ही समझ में आता, थ्री टू वन रेशो हो तो एच का वैल्यू थ्री के का वैल्यू वन, सिक्स माइनस वन फाइव, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, और कोई चांस नहीं है देखिए अलावा, और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी अगर इसको कंप्लीटली चाहते तो मेथड से भी कर सकते थे, कैसे, कि ये टू पॉइंट की इक्वेशन निकल गई, आप ऐसे ही लिखते y माइनस फोर इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपने अभी निकाला फोर माइनस टू माइनस कितना टू बाय माइनस फोर यानी माइनस वन बाय टू इंटू एक्स प्लस थ्री, एक लाइन आ गई। अब इक्वेशन भी निकाल सकते हो y माइनस थ्री इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस फोर, ये जो दोनों लाइन है इसमें h के सेटिस्फाई करेगा, तो h और k के टर्म में इक्वेशन बन जाएंगी, मतलब h और k दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट h और k, तो इन दोनों का x और y निकाल लें वही h के हो जाएगा, राइट, यानी ये कंप्लीटली मेथड है, ये एक लॉजिक हुआ। तो ना तो मेथड से क्वेश्चन टफ है ना लॉजिक से, आप दोनों तरीके से पढ़ें, जब भी पढ़ाई करें तो कंसेप्चुअल पढ़ें जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। इन दोनों का आपको केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स एच और के, उसका आपसे रेशियो पूछा है और कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में। आप ध्यान रखिएगा माइनस एक्स माइनस थ्री यानी एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन आ गई, देखिए इससे क्या जाएगी टू एक्स माइनस वाई, टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, देखिए अपने आप ही परपेंडिकुलर लाइन आ गई। यहां पर एक मिनट चेक कर लीजिए, टू एक्स ये टू एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव, ये भी माइनस फाइव ही होगा। आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स अपॉन फाइव प्लस टेन, राइट, ऐसे ही वाई के लिए कर लीजिए, ऐसे ही जेड के लिए कर लीजिए, के लिए करेंगे तो क्या जाएगा माइनस फाइव प्लस टेन, और वन अपॉन करेंगे तो फोर प्लस वन फाइव, तो देखिए एक्स आ गया थ्री और वाई आ गया वन, तो थ्री इज टू वन इज अ राइट आंसर। पर आपको जिस स्टेप से क्वेश्चन, जिस मेथड से क्वेश्चन जल्दी हो वो मेथड यूज करोगे तो हमेशा आपको फायदा होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एफ वन इक्वल टू वन इक्वल टू थ्री देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एफ एफ
एफएक्स प्लस एफएक्स का होल स्क्वायर, आप इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, और आप डायरेक्ट सकते हैं कैसे, किसी भी नंबर का देखिए यहां वन है, वन पर, और यहां पे थ्री है, तो इसका मतलब एफएक्स इक्वल टू, अगर मैं एक्स क्यूब ले लूं तो देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे दूं तो वन और यहां वन रख दूं तो थ्री। अब एफ 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 एक्स, अगर इस पे एफ एक्स लगाऊं तो एक्स पावर नाइन, एक और एफ एक्स लगाऊं यानी एक्स पावर 27 प्लस एक्स पावर 6, इसका डेरिवेटिव यानी 27 एक्स पावर 26 प्लस 6 एक्स पावर 5, देन 6 प्लस 27 इज 33, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ये तो हुई क्वेश्चन टेक्निक्स कि आपने इसे एक फंक्शन माना और एक्स की जगह वन रख दिया, आपने इमीडिएटली कर लिया, पर अगर आप इसे मेथड से भी करते तो कोई ऐसा टाइम नहीं लगता, जब इसे डिफरेंशिएट करते तो क्या आप इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन 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 है, राइट। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन आप सपोज करते तो मैं आपको बताता क्या होता, टू एफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स, राइट। अब यहां डैश एक्स एक्स की जगह वन रख देते तो क्या आता, टू एफ वन एफ डैश वन, जो पूछा है तो टू एफ वन वन दिया और ये थ्री दिया, तो देखिए सिक्स आ गया दूसरा पार्ट। ऐसे ही जब इसको डिफरेंशिएट करते तो आपको मिलता तीन बार डिफरेंशिएशन होता और बाद में एक एफ डैश एक्स मिलता और बाकी सब एफ एफ डैश इस तरह से चलता जाता, राइट। तो जब थ्री टाइम इसको करते तो यहां पर क्या आता, यहां पर एफ डैश एक्स की जगह थ्री रखते, ये भी वन 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 थ्री हो जाता तो 27। तो ये इसका एक प्रॉपर तरीका हुआ, याद रखिएगा कभी भी कंफ्यूजन हो, जैसे एफ एफ एक्स का करना होता तो क्या होता, आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आप लिखते एफ डैश एफ एक्स इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, राइट। ऐसे ही अगर तीन बार होता तो क्या होता, आप सोचिए इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करना है आपको, इसके आगे एक और एफ लगा है, तो पहले इसको टी मानेंगे, पहले इसको टी मानेंगे, तो आप ऐसा लिखते एफ 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 डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स, अब इसको टी माना, अब डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ एफ डैश एफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स। अब लॉजिकली देखिए एफ डैश एक्स लॉजिकली कितने बार आ रहा है, थ्री टाइम आ रहा है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, देन दिस इज 27, क्योंकि जब आप एक्स की जगह वन रख देते तो एफ वन वन एफ वन वन पर एफ वन ये थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री, तो 27 प्लस 6 33, पर मेथड से करने में थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ सकता था। देख के समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर पे सेम अगर रिजल्ट आ रहा हो तो, जैसे यहां मान लो 4 होता तो एक्स की पावर 4 कंसीडर कर सकते थे, तो अगर आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो आपके पास अपने आप ही लॉजिक या ट्रिक्स आती जाएंगी, और वही एक चीज है जो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेपर में, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है k इक्वल टू 1 टू 20 k अपॉन 2 पावर k। अब देखिए इस तरह का सिंपल है, आप वैल्यू रख दो तो 2 क्यूब अप टू 20 अपॉन 2 पावर 20। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर 1 2 3 20 है, ये एपी है, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये जीपी है। इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताया था, बस आप वही टेक्निक को याद रखिएगा, अभी समझाने के लिए फिर बता रहा हूं। 2 का क्यूब अब 2 क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैंने पर बोला था फॉर्मूले से लंबा होता है, एजी का जो फॉर्मूला होता है वो काफी लंबा होता है, अपॉन 1 आर प्लस डी आर अपॉन, फिर आगे जाके उसमें गड़बड़ होती है, उससे अच्छा है कि कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, यानी आपको कॉमन रेशियो इसमें कितना एस बाय 2 और एक टर्म छोड़ के लिखो, तो आपने बाय 2 किया तो ये जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 बाय 2 का क्यूब प्लस 3 बाय 2 की पावर 4 अप टू, यहां पर आएगा 19 अपॉन 2 पावर 20 और यहां आएगा 20 अपॉन 2 पावर 20 1 2 पावर 21, राइट। याद होगा आपको, इसको एक टर्म छोड़ के जब हम माइनस करते हैं एस माइनस एस बाय 2 करेंगे तो एस बाय 2 मिला, यहां पर मिलेगा 1 बाय 2, ये देखिए ये 1 बाय 2 का स्क्वायर, ये 1 बाय 2 का क्यूब, ये 1 बाय 2 की पावर 4 माइनस ऑफ ये एक्स्ट्रा टर्म, क्योंकि आपने सबट्रैक्ट किया 20 अपॉन 2 पावर 21, राइट। लॉजिकली आप चाहें तो इसे 4 बाय बाद में लिख देंगे, अब ये हो गई इनफाइनाइट जीपी, वो इनफाइनाइट बोला एजी, वो सॉरी जीपी, जिसका समेशन ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर होगा, तो कितना आ जाएगा एस बाय 2 इक्वल टू ए 1 बाय 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 20, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 20 अपॉन आर 20 था, अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 एंड माइनस 20 अपॉन 2 पावर 21। अब देखिए ये 1 बाय 2 या 1 बाय 2 कैंसिल, तो एक तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 20 माइनस 20 अपॉन 2 पावर 21,
राइट माइनस, अब ये बाय टू का भी बाद में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो अभी क्या हो जाएगा बोलिए, वन माइनस कॉमन ले लें तो इसका एलसीएम आएगा 2 पावर 21। तो क्या मिला आपको यहां पर, यहां पर मिलेगा 2 और यहां पर मिलेगा प्लस का 20, यानी ये हो जाएगा इस तरह से 22। तो अगर ये 22 हो गया तो आपके पास फाइनली कुछ ऐसा रिजल्ट आया, एस बाय टू इक्वल टू 1 माइनस 22 अपॉन 2 पावर 21। अब 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस 2 इंटू 22, देखिए 2 और एक 22 कैंसिल कर दो आप, तो आपको मिलेगा 11 अपॉन 2 पावर 19। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको मिलेगा 2, एक 2 इसका ले लो और 2 इस बचेगा 11 और ये 2 पावर 21 है, तो एक कम हो जाएगा और 19 बचेगा। तो आंसर आना चाहिए 2 माइनस 11 अपॉन 2 की पावर 19, दिस इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने क्या करा, पहले तो सीरीज लिखी 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 स्क्वायर, 3 अपॉन 2 क्यूब, इसका कॉमन रेशियो 1/2 है, 1/2 का इसको एस मान लो, 1/2 का मल्टीप्लाई करके एक टर्म पीछे से सेपरेट किया, ये माइनस किया, स्टेप्स बचाई हैं, देन ये देखिए 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो ये एक पूरी सीरीज मिल गई अप टू 20 टर्म की, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। पर यहां पर एस माइनस एस बाय टू करेंगे आप, याद होगा तो कितना हो जाएगा, एस बाय टू बच गया। अब ये जीपी है ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर माइनस 20 अपॉन 2 पावर 21। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।